सब्सक्राइब करें VM1 चैनल को और बेल आइकॉन जरूर दबाएं टेक टॉक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं टेक टॉक एपिसोड नंबर 19, जहां मैं आज आपसे बात करूंगा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नए रूल्स के बारे में। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। जो इससे पहले हमें मिलती थी वो अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब 16 दिसंबर से इसके रूल्स पूरी तरह बदल गए हैं और अब आप मोबाइल अपना पोर्ट कर सकते हैं, अपना नंबर पोर्ट कर सकते हैं एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर के अंदर सिर्फ 4 दिनों में। पहले ये 15 दिन लग जाते थे, पहले जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन नॉर्म्स यूज़र के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो मैं आपको ब्रीफली फटाफट से इन सब पॉइंट्स को बता देता हूँ। 5-6 पॉइंट्स हैं। तो TRAI ने ये 16 दिसंबर से अभी कुछ ही दिन पहले इसको अप्लाई कर दिया है, एप्लीकेबल कर दिया है। और अब आप अगर आप डिसाइड करते हैं कि पोर्ट करना है आपने नंबर अपना किसी एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर के अंदर, तो वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी और अगर आप एलिजिबल पाए गए तो ही आप पोर्ट कर पाएंगे अपना नंबर, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ऐसा रूल बना है। अगर आप एक पोस्टपेड सब्सक्राइबर हैं और आपकी 0 आउटस्टैंडिंग है तभी आपको पोर्टिंग कोड मिलेगा, अदरवाइज आपको पोर्टिंग कोड ही नहीं मिलेगा। कम से कम 90 डेज एक ऑपरेटर में एक्टिवली उस नंबर को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है अब। और किसी भी नंबर के ऊपर किसी भी टाइप की लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए कि कोर्ट में सब जुडिस हो वो नंबर, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस केस में भी पोर्टिंग कोड इशू नहीं होगा। अगर आपने कोई ओनरशिप की रिक्वेस्ट चेंज करने के लिए, अगर ओनरशिप चेंज करने के लिए आपने रिक्वेस्ट करी हुई अपने करंट ऑपरेटर को एक नंबर की, तो वो तब भी पोर्टिंग कोड जो है नहीं आपको दिया जाएगा। अब नंबर जो पोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ 4 दिन में हो जाएगा, एक्सेप्ट JNK, असम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए। और UPC जो यानी यूनिक पोर्टिंग कोड जो जनरेट होगा उसको अब ऑपरेटर रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर UPC जनरेट हो गया और आपको पोर्टिंग कोड मिल गया, सपोज़ आप जियो से एयरटेल में जा रहे हैं तो जियो से आपने एग्ज़िट करना है और आपको पोर्टिंग कोड मिल गया, तो जियो किसी भी तरीके से आपको वो नहीं रोक सकता, आप अपना मनपसंद ऑपरेटर चुन सकते हैं। लेकिन अब इसके अंदर आपको 6.5 रुपये चार्जेस भी देने पड़ेंगे और SMS का वही तरीका है, 1900 के ऊपर आपको SMS करना है। तो यही सारे रूल्स चेंज हुए हैं मोटे तौर पे और आपके लिए जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपकी जानकारी जो मैंने आपको दी वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर होगी। और अगर आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, और मैं आपको कल फिर मिलता हूँ कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें VM1 चैनल को और बेल आइकॉन जरूर दबाएं टेक टॉक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।